नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा। बिज तक में आज गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड जो इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। मिडिल ईस्ट की क्राइसिस, अमेरिका की महंगाई और डॉलर इंडेक्स में चल रहे उतार चढ़ाव ने गोल्ड को ऐसी तूफानी रफ्तार दी है कि पूछिए मत। इसी महीने इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम $2,400 के पार चले गए, जो रिकॉर्ड है। घरेलू बाजार में सोना ₹72,000 के करीब चला गया है। इससे पूरी दुनिया में एक दफा फिर से गोल्ड पर सबकी नजर टिका दी है। रिटर्न के मोर्चे पर देखेंगे तो भी आप हैरान रह जाएंगे। गोल्ड ने सिर्फ 3 महीने में ही 15% का रिटर्न दिया है और 2024 की शुरुआत से ही ये सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाले एसेट क्लास के तौर पर उभरा है। यहाँ तक कि इसके सामने शेयर बाजार भी कहीं नहीं टिक पा रहे हैं। बीते 3 महीने में निफ्टी ने सिर्फ 3.31% रिटर्न दिया है। यहाँ तक कि धुआंधार रिटर्न देकर चारों तरफ खलबली मचाने वाले स्मॉल और मिड कैप शेयरों के इंडेक्स भी गोल्ड के सामने दूर दूर तक टिक नहीं पा रहे हैं। निफ्टी मिड कैप ने बीते 3 महीने में 5.34% और निफ्टी स्मॉल कैप ने इस दौरान 7.81% ही रिटर्न दिया है। बीते साल यानी 2023 में भी गोल्ड की चमक जारी रही थी और इसने 13% का शानदार रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया। लेकिन हम यहाँ एक बिल्कुल अलग ही कहानी आपको बताने जा रहे हैं, गोल्ड से जुड़ा एक ऐसा ट्रेंड जो कि आपको वाकई में हैरान कर देगा। आप सोचिए कि क्या ऐसे वक्त पर जबकि गोल्ड तगड़े रिटर्न दे रहा है और इसके भाव रिकॉर्ड स्तर पर चले गए हैं और ऐसे लेवल्स पर है जहाँ की सोना खरीदना हर किसी के लिए आसान नहीं है, तब कोई गोल्ड दान दे दे तो क्या होगा। यहाँ कहानी है, ऊंचे भाव के बावजूद भारतीयों ने 773 करोड़ रुपए का गोल्ड देश के महज एक मंदिर में दान कर दिया है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे रईस हिंदू टेंपल ट्रस्ट तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD की। तिरुमाला तिरुपति मंदिर में चढ़ाए जाने वाले गोल्ड की मात्रा बढ़ रही है। 2023 में भक्तों ने तिरुपति मंदिर में 1031 किलो गोल्ड चढ़ा दिया। इसकी कीमत 773 करोड़ रुपए बैठती है। आपको ये भी बता दें कि तिरुपति ट्रस्ट के पास 11329 किलो गोल्ड है, इसकी कीमत 8500 करोड़ रुपए बैठती है। तिरुपति ट्रस्ट का ये गोल्ड देश के कई नेशनलाइज बैंकों के पास जमा किया गया है। गुजरे 4 साल में यानी 2020 से ही TTD के यहाँ दान के रूप में भक्तों ने 4 टन गोल्ड दान कर दिया है, यानी हर साल 1 टन गोल्ड। दुनिया के हर कोने से भक्त तिरुपति मंदिर आते हैं। मंदिर को हर महीने कैश के रूप में ही 100 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि हर महीने 90 किलो से 100 किलो गोल्ड का चढ़ावा मंदिर में आता है। इतना ही नहीं, साल दर साल आने वाली नकदी और गोल्ड के चलते मंदिर के पास 19,000 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट है, जबकि 14 टन के करीब गोल्ड मंदिर ट्रस्ट के पास है। देश भर में तिरुपति मंदिर ट्रस्ट की 85,000 एकड़ जमीन है। देश का एक और मंदिर वैष्णो देवी मंदिर भी भक्तों की आस्था का केंद्र है। इसे भी देश के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। वैष्णो देवी मंदिर में ही बीते 20 साल में 1,800 किलो सोना, 4,700 किलो चांदी और 2,000 करोड़ रुपए कैश आया है। इस लिहाज से देखें तो वैष्णो देवी मंदिर को हर साल 90 किलो सोना और 100 करोड़ रुपए का दान मिल रहा है। ये एक बड़ा ट्रेंड है जो दिखाता है कि भारतीय लोगों के गोल्ड को लेकर इमोशनल रुझान के बावजूद गोल्ड को मंदिरों में दान देने के मामले में भी वे बेहद आगे है। फिर चाहे दाम 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड लेवल पर ही क्यों ना हो। तो ये थी गोल्ड पर हमारी खास पेशकश। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर कमेंट कर बताएं, और बिजनेस जगत की ताजा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजनेस।